आपका रेडियो न्यूज़ में मैं हूँ आपके साथ अंजलि पटेल। बड़ी खबर आ रही है नरसिंहपुर से, जहाँ नरसिंहपुर जिला प्रशासन को जगाने एवं सद्बुद्धि देने के लिए धरना स्थल पर किया गया यज्ञ। जी हाँ, यह मामला है नरसिंहपुर के इतवारा बाजार स्थित शराब दुकान के स्थानांतरित करने का। पिछले कई सालों में क्षेत्रीय लोगों द्वारा कई बार शराब दुकान को रहवासी इलाके से स्थानांतरित करने की मांग रखी गई, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसको लेकर समाज सेवियों द्वारा लगातार 15 दिन से धरना जारी है। और आज यज्ञ के माध्यम से प्रशासन को सद्बुद्धि मिले, रहवासी इलाके से शराब दुकान हटाए जाएं, इसको लेकर यज्ञ का आयोजन किया गया। इतवारा बाजार स्थित एक शराब ठेका है जो 50 वर्ष से वहाँ पर स्थापित है, लेकिन पूर्व में स्थिति ये थी कि वहाँ पर आउट क्षेत्र कहलाता था, वहाँ पर ज़्यादा इतनी आवागमन और ज़्यादा निवासी नहीं थे, तो उस समय पर उसको वहाँ पर स्थापित किया गया था। लेकिन आज वर्तमान स्थिति यह है कि वह काफ़ी पुराना बाजार है, वहाँ पर बड़ी संख्या में कॉलोनियाँ कट चुकी है, लोगों का आवागमन हो चुका है, एक अच्छा क्षेत्र है, वह शहर का हृदय स्थल माने बन चुका है। ऐसे स्थल पर आज शराब का ठेका, जिसके कारण से लोगों का निकलना दूभर है, महिलाएं बच्चे मंदिर बने हुए हैं, मंदिर में पूजा नहीं की जा सक पा रही, और इतवारा बाजार में स्थिति ये बनी है कि वहां पर दिन रात सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 2 बजे तक शराबियों का अड्डा बन चुका है। उस शराब ठेके को स्थानांतरित करने के लिए विगत 15 दिवस से यह आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। उन्हीं के लिए भगवान सद्बुद्धि दे और जो मांग की जा रही उसको पूरी की जाए, उसके लिए आज जिला प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए यह यज्ञ किया गया। यहाँ पर जो यज्ञ किया गया है, ये सद्बुद्धि यज्ञ जो आबकारी अधिकारी और प्रशासन को जगाने के लिए किया जा रहा है, वहाँ पर राजीवगढ़ में जो शराब का ठेका बना हुआ है, माननीय ये यहाँ पर सदस्य जो बोल रहे थे कि 50 वर्षों से यहाँ पर ठेका बना हुआ है, पहले समस्या नहीं होती थी क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन कम थी, बट यहाँ आज के समय में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई है और महिलाओं का काफी आना जाना होता है वहाँ से। वहाँ पर एक बाजार भी लगता है जो नरसिंहपुर का माना गया इतवारा बाजार है, वहाँ पर बहुत से शराबी लोग आते हैं, वहाँ पर शराब पीते हैं, पूरे बाजार को गंदा करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर गंदगी भी बढ़ती है और लड़ाई का की संभावना भी ज्यादा होती है। तो इस वजह से शराब के ठेकों को वहाँ से स्थानांतरित करना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि इसको बंद किया जाना चाहिए, लेकिन वहाँ से स्थानांतरित करके ऐसी जगह पर जाना चाहिए जिससे किसी भी समस्याओं का समाधान महिलाओं को या वहाँ से जो जा रहे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, जो कोचिंग जाते हैं, उनको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े।